अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पे एसी कंट्रोल के लिए दिया है, वो चार्जिंग पॉइंट दिया है तो आज थर्सडे है कि ट्यूसडे है आज। शॉपिंग से आने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एजेंसी पे। फाइनली आज हम लोगों की कार आ जाएगी धनतेरस के उपलक्ष्य में। और देखिए कौन कौन बैठा है यहाँ पे। हम सब लोग तैयार हैं, मम्मी इधर, तन्मय, हम लोग सब लोग रेडी हैं। बस फोन आएगा तो हम लोग जाएंगे। ये पेपर वर्क करने के लिए पहले ही चले गए हैं, पूरे दिन एजेंसी में ही बैठे रह गए हैं। इतनी रात बननी भी नहीं आई है घर के लिए। तन भी तैयार हैं, ये है मुझे ले जाने के लिए, मतलब हम लोगों को ले जाने के लिए ड्राइवर लोग हैं। मामा लोग को ड्राइवर बना चाहिए, ड्राइवर मामा ही लोग कुछ भी बन सकते हैं। तन्मय का मामा ड्राइवर बन जाएंगे तो थक गए हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाबू के बर्थडे में गांव। आज उसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, तो वो सेलिब्रेशन भी होगा। आज सेलिब्रेशन 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 ही हो रहा है बस। और शॉपिंग हुई है, पूरा सेलिब्रेशन हुआ है। आज के दिन सफाई नहीं हुई है, अब कल का दिन बचा है, कल सफाई करेंगे और दिवाली की सफाई करें। दिवाली के दिन भी लग रहा है सफाई करेंगे। पिछले व्लॉग में मैंने धनतेरस की जो शॉपिंग की थी उससे आने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। बच्चे भी स्कूल से आधे घंटे बाद आ गए थे, वो लोग भी रेडी हो गए थे क्योंकि हमें जाना था कार लेने, ये पहले ही चले गए थे, तो ये क्लिप मैंने उसी टाइम बनाया था। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जरा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, ये बोले थे कि 2:30 बजे डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई पेपर में या नंबर लेने में, बुकिंग में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से ये डिसाइड हुआ कि 6 बजे के बाद हमें गाड़ी मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और आज है मेरे भतीजे का बर्थडे, तो वहां भी हमें जाना था, सेलिब्रेशन था, तो ये डिसीजन हुआ कि 6 बजे हम लोग गाड़ी जाएंगे लेने, उसके बाद उसी गाड़ी से हम लोग जाएंगे अपने गांव, वहां बाबू का जो बर्थडे है। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत आई कि 8 बजे गाड़ी की डिलीवरी थी, तो हम लोग जो है बाबू के सेलिब्रेशन के लिए 6 बजे निकल गए, क्योंकि नंबर की बुकिंग हुई उसके बाद 6 बजे के बाद फिर पेपर वर्क करना था तो लेट हो जाता, तो ये बोले कि जाइए आप लोग केक काट के आइए, अब मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे गाड़ी लेने। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आपके साथ अभी शेयर करूंगी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि सब कुछ फास्ट फास्ट हो गया, एकदम अर्जेंट में निकलना पड़ा। यहाँ पे मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं निकली हूँ यहाँ से मिठाई लेकर के, अब हम लोग जा रहे हैं बाबू के बर्थडे में। बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट, बहुत शोरगुल है, चलिए आगे बताऊंगी। तो हम लोगों ने सोचा था कि नई गाड़ी लेकर के और एक भैया हैं उनको लेकर के हम लोग जाएंगे गांव, ये भी जाएंगे, लेकिन सब प्लान फेल हो गया गाड़ी के चक्कर में, तो इसलिए अब पहले हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में। फ्लाइट की बड़ी दिक्कत है, कम है, बंद किया गया है। अच्छा, कीड़े की वजह से यहाँ भी हम लोग लेट ही पहुंचे थे, सारे लोग आ चुके थे, बस हम ही लोगों का इंतजार हो रहा था। छोटा सा ही सेलिब्रेशन था, बस फैमिली का और आस पड़ोस के कुछ लोग, क्योंकि धनतेरस का त्योहार था तो सब लोग आ भी नहीं पाते, इसलिए छोटा सा ही सेलिब्रेशन रखा गया था। तो बस हम लोग तो जल्दी से आ गए, अब केक काट के निकल गए। कब चलोगे, कब दौड़ के भुआ भुआ बोलोगे? गाइस देखिए बाबू मेरा स्किन केयर किया है, ये देखिए अभी भीड़ भाड़ से वो हो रहा है। मम्मी का है जी, अमृता मम्मी यहाँ लाइट की कमी है, रोई रोई क्यों मम्मी दो आप बिल्कुल ही नहीं देना था।
थोड़ा पीछे चलो छोटी, थोड़ा सा सामने से लाइट चाहिए टीका लग के ऐसा है ना, तुम और पापा लगा दो टीका। ओहो लगा दो पहले टीका लगाओ लो पापा, यही लगता है पूरी है ये नहीं है पूरी। अच्छा चुप रहो चुप रहो, तो जल्दी काटी लो ऐसे लगा एक भी तो है दोनों कैसे देख रहे हैं। उसको लेके देख मम्मी आ चल पकड़ो लग जाएगा है तो नहीं कुछ मान जाओ और मैं जल्दी जल्दी समोसा खा रही हूँ निकलने के लिए। कौन यहाँ देखिए सब सब लोग लगे हुए हैं, सिर्फ हम नहीं लगे हैं। आइए भाभी हम लोग समोसा वो नहीं खा रही है भाई। अमृता बेचारी जहाँ खा रही है खा रही है खा रही है खा रही है जीने नहीं रहे इन लोगों को। बाप रे बाप, एक मैं और इतनी भाभी लोग बाप रे बाप, कैसे कैसे मैं एडजस्ट करती हूँ इन लोगों को। चनामृत हम अकेले हैं तो हमके तो सब एडजस्ट कर ले। चलो भाई फाइनल सबसे मिलजुल चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम देख रहे हैं, चलते हैं भाई। बहुत कीड़ा है
तो वहां से निकल के हम लोगों ने मम्मी को लिया और इसके बाद हम लोग देखिए आ गए हैं यहाँ एजेंसी पे। ये देखिए हम लोग का वेट हो रहा है बस, तो हम लोग निकल रहे हैं। बस अब थोड़ा सा वेट करिए तो बताते हैं कौन सी गाड़ी है। थोड़ी देर वेट करना है फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी है। फोटो लो जल्दी करो, थोड़ी सी और आगे आई, ये वाला फोटो आना चाहिए। अब उधर ये बंजा बड़ा लड़ल बन गया। सही बात है, जिंदगी भर याद रहेगा। फोटो फोटो दिखाए तो गाड़ी से पहले आई पता नहीं चला ये गाड़ी तो जिंदगी भर याद हो गया। फोन दे दो। नहीं नहीं बस प्लीज आवाज का। अम्मा कहां है दादी? आपको अपना फोन दिए थे। एक आदमी की सर्विस मुझे बढ़िया लगी है जो पानी पिला रहा है। इतनी बार बैठे थे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी। चलिए गांधी जी, अंत भला तो सब भला। चलिए ठीक है, अंत भला तो सब भला। हाँ तो ठीक है भैया, लड़े हैं तो शायद मिल भी गया है, नहीं तो नहीं मिल तो नहीं गा रही है भाई, सब सीखना पड़ेगा। चलना नहीं है। रुक जाए रुक जाए बाबू, रुक जाए रुक जाए बाबू, थोड़ा सीट सही कर दीजिए। दादी को आगे बैठाइए। तो कह रही है आ हम के आगे बैठे। तो हम सारे लोग आ जाएंगे। ए पीछे भी बैठना पड़ेगा, पीछे बैठना पड़ेगा, पीछे इन लोगों को पीछे भेजिए। खैरियत से तन्मय को, तन्मय को बच्चों की बालकनी है वही है। जा ये लो लोग, अब सेवन सीटर एंजॉय करो। पीछे रहोगे लोग? अकेले को धो लोग सब, तो नई गाड़ी में आ गए अनुज, अकेले जाएंगे। मुंडे अच्छा लग रहा है। नहीं हम लोग थाला फर रीजन गाड़ी। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है मजा लगेगा। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। यहाँ पे एसी कंट्रोल के लिए दिया है, वो चार्जिंग पॉइंट दिया है। कंट्रोल मेरे साइड। कंफर्टेबल जो सीट है वो बीच वाला है, क्योंकि ये जब खुलेगा ना। अच्छा रुकिए हम अभी आपको दिखाते हैं। अरे चलो थोड़ा नहीं पापा, हम पीछे बैठे तो खोलना। भाई साहब निकलना कहाँ से? मैं भी शीशा खड़े होंगे तो निकल जाए। अभी ये तो पूरा खुलने वाला है, तन में पूरा खुलने। अरे ये शीशा पूरा निकलेगा, शीशा। अरे बाइक चलाइए तू आराम से, बहुत समझाता है। अब लाइट बंद करा एक बार देखा है। 11:30 बज गया है ना, टाइम देखो टाइम। मान लो खुल ले रो 11:17 फाइनली हम लोग मंदिर आए हैं पूजा करवाने। नींबू वो जो चाहे लोग ना रख लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे। तो आपके पैर में चोट लगा है और गाड़ी कैसे कंट्रोल? चलिए लोग दर्शन करिए सभी लोग। 10 दिन तक कंट्रोल करना पड़ेगा अभी। कैसे मन को मनाए हुए हैं। ये गाड़ी तो इतिहास बन गई है। वही तो मजा तो तभी आएगा जब पापा ड्राइव करेंगे, तो जब आप ड्राइव करेंगे तब मजा आएगा। जा नहीं जब फ्री यहाँ चल तो। पंडित जी रुके, पंडित जी रुके। Thank you.
तुम माथे पर नहीं लगाओ? नहीं नहीं सुनना सुनना तुम का हाथ बोल गया हाँ हाँ लगता है लगा दीजिए ये दूसरा सिंदूर होता है सिंदूर हमको नहीं अरे लगता है माथे पे नहीं लगाते ये गले में लगाते हनुमान जी का है ये तब भी माथे पे नहीं लगता ये सिंदूर अलग होता है ये अलग होता है सब लड़के लड़के सब कौन सा सिंदूर लगा लेंगे मेरी शादी अच्छे से नहीं लगा नहीं लगा गोल लगाएं गोल गोल लगाइए ऊपर छोटा भी पंडित जी तैयार हैं पूजा करने के लिए हाँ तो इस तरह से ओरिजिनल वॉइस मैंने आपको दिखाई हमारी खुशी दिखाई कि गाड़ी आने की कितनी खुशी हो रही थी और ये गाड़ी मेरे दो चैनल जो हैं YouTube के उनकी कमाई से मैंने लिया है अगर ये बात सही है तो कैसे लिया है मैं आगे किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी वैसे ये 50-50 सही हो सकता है तो इंतज़ार करिएगा मैं आपको बताऊंगी। तो पूजा पाठ होने के बाद लगभग 11:30-12 बजे के बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद मैंने घर पे भी गाड़ी का थोड़ा सा वेलकम किया और इस तरह से नई गाड़ी का शुभारंभ हुआ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा अगर जिनको ब्लॉग देखना पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में और आपको फिर बताऊंगी डिटेल में कि ये गाड़ी हमने कैसे ली है। तो इस साल का धनतेरस हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहा, नई गाड़ी भी आ गई है और बहुत सारी चीज़ें आज हुई, बहुत सारी मैंने शॉपिंग भी की तो बहुत ही अच्छा लगा। होप सबकी धनतेरस ऐसे हो, सबकी दिवाली अच्छी हो। ये व्लॉग जाते जाते तो दिवाली हो चुका होगा क्योंकि थोड़ी व्यस्तता के चलते एडिटिंग नहीं हो पा रही है। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।